फाइट होने वाली है अभी यहाँ पर, तो कैसा नर्वसनेस हो रही थोड़ी बहुत? थोड़ी थोड़ी। हे गाइस, एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है सुमित जयसवाल, आप देख रहे हैं सुमित जयसवाल ब्लॉग्स। तो आज का दिन बहुत ही शानदार होने वाला है। सर पे है बहुत शानदार सी धूप हो रखी है और अभी बहुत ज्यादा धूप हो रखी है। आज है संडे का दिन और हम आए हैं सरदार पब्लिक स्कूल के अंदर। यहाँ पे होने वाला है एक बहुत ही शानदार टूर्नामेंट ताइक्वांडो का, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है ताइक्वांडो का टूर्नामेंट। और आज मेरे साथ में है हिमांशु। हाय हिमांशु, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या मजे हो रहे हैं अंदर। और बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं और यहाँ पे एक बहुत ही शानदार देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हो रही है काफी सारी भीड़ और इतने सारे बच्चे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और सब के सब अपनी यूनिफॉर्म पहन रखे हैं, व्हाइट कलर की ड्रेस, और आप देख सकते हैं। और इधर भी एरेना बना हुआ है और उधर भी साइड एरेना बना हुआ है। और ये जज बैठे हुए हैं आई थिंक, और इनके रेफरी भी होते हैं यहाँ पे। आप रेफरी हैं क्या? चलो ठीक है, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। और ये हैं आकाश भाई, हमारे आकाश भाई, तो इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया है ये। तो आकाश भाई, हम आपसे भी सवाल पूछेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर कि कितनी टीम्स आई है यहाँ पर और ये सब कुछ चीज़ें, तो अभी बताना अभी थोड़ी देर में। चलिए चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं कैसे क्या फाइट्स हो रही है अंदर। तो चलिए चलते हैं साइड, तो देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं। हेलो भाई, काफी छोटी छोटी हर उम्र के बच्चे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हो रही है देखिए फाइट, और गर्ल्स पावर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और देख सकते हैं और वापस कुछ इंस्ट्रक्शन मिले इनको रेफरी के द्वारा। चुकी है ब्लू कलर की टीम, और देख सकते हैं ये है रेफरी जो यहाँ पे स्कोर्स तैयार कर रहे हैं। ये शायद गर्ल्स के लिए है, उधर की साइड शायद बॉयज के लिए एरेना बना हुआ है। और काफी मजा आ रहा है यहाँ पर देखने के अंदर कि कितने सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से। नई जनरेशन आपको देखने को मिलेगी पूरी, और हर उम्र के बच्चे देखने को मिलेंगे यहाँ पे। कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं बच्चों के साथ में, और वापस एक नई फाइट चालू हो चुकी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक नई फाइट। ओ तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा पॉइंट जो होते हैं वो मुंह के होते हैं। तो अभी यहाँ पर मार करके मास्क ही गिरा दिया है, देख सकते हैं। ओ, और जीत हो चुकी है वापस है ब्लू की, और काफी शानदार माहौल हो रखा है यहाँ पे। सब लोग चीयर्स कर रहे हैं अपनी अपनी टीम को। होने के बाद में लड़ाई को थोड़ा बंद कर दिया जाता है जब ये दोनों गले मिल जाते हैं। तो हमारे साथ में अभी एक फाइटर, आपकी फाइट होने वाली है अभी यहाँ पर, तो कैसा नर्वसनेस हो रही थोड़ी बहुत? थोड़ी थोड़ी। चलो ठीक है, देखते हैं बहुत ही। और क्या एज है आपकी? 10 इयर्स। तो इसका भी एक पैरामीटर होता है 10 इयर्स का, या फिर एज वेट के हिसाब से होता है? अकॉर्डिंग टू आई थिंक वेट होता है ना, दोनों वेट के हिसाब से होता है ना। तो चलिए दिखाते हैं अभी इनकी फाइट होने वाली है अभी थोड़ी देर में। और आकाश भाई वहाँ पे खड़े हुए हैं,
पूरा ऑर्गेनाइज आकाश भाई ने किया है और काफी सारे बच्चे आप यहाँ पे आए हैं और काफी सारी भीड़ हो रखी है, देख सकते हैं आप बहुत सारे बच्चे यहाँ पर। और वापिस से एक फाइट चालू हो चुकी है और काफी और पॉइंट निकाल लिया है यहाँ पर। अभी कुछ दिक्कत आई है, एक बार रेफरी पूछने गए हैं यहाँ पर, उनके जो ट्रेनर हैं वो बता रहे हैं कुछ, तो काफी कम एज के बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे। क्या एज है आपकी? 4। क्या बात है यार, मतलब देख सकते हैं 4 इयर्स का बच्चा है और कितना क्यूट लग रहा है। अब यहाँ पे होने वाली है बहुत ही शानदार फाइट और 2 छोटे बच्चों की फाइट होने वाली है। और आप तो देख सकते हैं ब्लू वाला क्यूटी पाई जीत चुका है और अभी तक मैंने जितनी फाइट देखी उनमें सब में ब्लू वाले जीत रहे हैं और निराश हो रहे हैं रेड वाले। नहीं कोई ना, ये गेम है, कोई हार तो कोई जीत चलती रहती है और काफी शानदार माहौल हो रखा है यहाँ पे। देख सकते हैं चारों तरफ लोग ही लोग, छोटे छोटे से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं उनके साथ में, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके गाइड बनकर। और यहाँ पे हिमांशु, तो हिमांशु बता भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि भाई फुल जगी चैन। हाँ, मतलब फुल धमाका मचा रखा है छोटे छोटे बच्चों ने। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये थोड़ा बेसमेंट के अंदर हो रहा है तो थोड़ा सफोकेशन भी हो रहा है, मतलब यार गर्मी ज्यादा हो रही है और गर्मी इसलिए भी है क्योंकि अच्छी गैदरिंग ज्यादा होने के कारण यहाँ पे थोड़ा पसीना भी है। बाकी फैन वगैरह चल रहे हैं फिर भी पसीने तो हैं सही, और वहाँ भी चल रही है, मतलब 3 एरेना बना रखे हैं यहाँ पर और 3 एरेना के अंदर फाइट्स हो रही है। देख सकते हैं काफी तादाद के अंदर अलग अलग स्कूल से भी आए हैं शायद ये बच्चे। और अभी पूछेंगे अपन कितनी स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है ना, स्कूलें काफी स्कूलें आई हैं यहाँ पे, सेंट्रल अकेडमी बहुत सारी स्कूलें आई हुई है यहाँ पे, मतलब जगह जगह से ऑल ओवर एरिया। तो आप देखिए आस पास की स्कूलें आई हुई है, अकेडमी आई हुई है। ओ हाय, तो फाइनली ये जीत चुके हैं हमारे क्यूटी भाई और बहुत अच्छा लगा हमारे को आपको फाइट देख करके, काफी मजा आया हमारे को और मतलब चेहरों पे खुशी आ जाती है मतलब जीतते ही, और जो हारते हैं उनको थोड़ा दुख भी होता है, बट कोई ना, सेकंड चांस मिलेगा, वापिस से फाइट होगी, कभी ना कभी तो होगी जरूर। तो चलिए चलते हैं, दिखाते कुछ नई फाइट आप लोगों को और कुछ नए करता भी इन लोग बच्चों के। उधर इस साइड बच्चे खड़े हुए हैं, सब लोग इनको चीयर अप कर रहे हैं और ये जज वगैरह हैं सब लोग, और छोटे छोटे बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं और इस देखते हैं इसको क्यों के अंदर है। हेलो, वापिस से इनकी फाइट होने वाली आई थिंक, या फिर देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूटीज लड़ रहे हैं यहाँ पर। अभी आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, अभी वो रोने लग गया था बच्चा और काफी सारे लोग इनको चीयर अप कर रहे हैं। ओहो, छोटे से बच्चे के भी मुंह पे लग गए और ये रोने लग गया और हाँ, इसको जीत दे दी है, रो मत रो मत, और ये रोने लग गया, अपने पापा के पास चला गया और बोल रहा है भाई मैंने मार दी। कोई बात नहीं, आप सबसे ज्यादा क्यूट लग रहे हो आप यहाँ पर, बताओ आपको
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है हेलमेट और यहाँ पे है सॉक्स और एक और चीज़ है चेस्ट गार्ड आई थिंक। तो ये सब चीज़ें अभी यहाँ पर जैसे इन पे इफेक्ट होगा तो यहाँ पर पॉइंट काउंट होता रहेगा, देख सकते हैं। देख सकते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि चीटिंग हो पाएगी यहाँ पे, एकदम बहुत अच्छा तरीके से है। और तो गाइज हम आए थे अभी, अब हमने टूर्नामेंट कवर किया, आप लोगों ने देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा और काफी ज्यादा मजा आया। मतलब हमने इतने सारे बच्चों को चीयर अप करते हुए देखा और हम भी चीयर अप करें और खूब ज्यादा मजा आया। किसी की हार हुई और किसी की जीत, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आया। अब हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन पहले मिलाते हैं आपको यहाँ के ऑर्गेनाइजर से, मतलब जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है और बहुत अच्छा, ये खुद भी एक टाइकोंडो प्लेयर है। तो चलिए, तो ये हैं आकाश भाई, और आकाश भाई हमारे मतलब बहुत पहले से साथ हैं, मतलब हम स्कूल में भी साथ में थे। तो आकाश भाई बताएंगे एक बार के लिए कि आपको यहाँ पे, मतलब आपने पहली बार कराया तो आपको कैसा लगा? थोड़ा सरप्राइज हूँ मैं, क्योंकि मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतनी गैदरिंग मेरे पास में आ जाएगी। अच्छा अच्छा, और बहुत अलग तरीके का टूर्नामेंट करवाने के लिए सोचा था, जो कि बेस्ट हो रहा है अभी तक। नेक्स्ट जो भी हम करवाएंगे उसमें बहुत अच्छा लेवल देंगे इसके अंदर, और फर्स्ट टूर्नामेंट है हमारा। अच्छा, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट यूनिटी ओपन डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो चैंपियनशिप। अच्छा, और मैं एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि यहाँ पे कितने स्कूल के बच्चे या फिर कितने एकेडमी से लोग आए थे, मतलब आपको अगर याद हो तो थोड़ा बहुत? 20 तो एकेडमीज हैं और 20-25 समथिंग स्कूल से। 20-25 एकेडमी और 24, ओ क्या बात है, मतलब काफी अच्छा टूर्नामेंट यहाँ हुआ है और बहुत सारे लोग, और जो भी ताइक्वांडो सीखना चाहता है इनसे और इनको ज्वाइन कर सकता है। और मैं आपके नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को इनसे ताइक्वांडो से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो फिर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफी मजा आया, बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया है, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया। इसके लिए बहुत जरूरी चीज है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। बिल्कुल सही बात है, हम लोग आने वाले टाइम में नेक्स्ट मंथ तक हम लोग एक सेल्फ डिफेंस का कैंप लगाने वाले हैं गर्ल्स के लिए, हर स्कूल और हर कॉलेज में जा जाके देखते हैं उसके ऊपर हमारे रिजल्ट क्या आते हैं और सबको हम लोग अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, आकाश भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और काफी अच्छा टूर्नामेंट था गाइस, आप लोगों ने देखा होगा। और सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने भी सीखा हुआ है और हम भी मतलब यहाँ उस टाइम पे इनके साथ ही थे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही कोई अच्छे से ब्लॉग के अंदर, टिल देन खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्ते, बाय बाय।